Welcome to Kochi, Kerala. Kochi is known as the Queen of Arabian Sea, and why not? Kochi ka jo port city hai, wo ek bahut important port tha trading aur fishing ke liye. Kochi sirf apne history ke liye nahi, balki apne food ke liye bhi kafi jana jata hai. Variety in puttus, chicken mandi, traditional Malabar snacks, fresh seafood and so much more. Hi everyone, welcome back to my channel Golgappa Girl. I am Pooja and I am in Kochi for 2 days. Let me take you with me for a food trail in Kochi, jahan pe main aapko bahut sara delicious Kochi food dikhane wali hoon. So make sure that you watch this video till the end. Let's go to our first spot. शुरुआत हम करने वाले हैं बाय हैविंग सम वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट एट गोकुल ओटुपुरा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. ये रेस्टोरेंट 100 प्लस ईयर्स ओल्ड है और यहाँ का वेजिटेरियन फूड काफ़ी पॉपुलर है. इनके काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं एंड वी हैव कम एट देयर गवर्नमेंट रेस्ट ब्रांच. आई एम एक्चुअली थिंकिंग ऑफ हैविंग अ डोसा हियर, सो लेट्स गो एंड सी हमारा डोसा कैसा बनता है. For the making, हमने लिया है घी मसाला डोसा. यू कैन ऑल्सो ट्राई द पूरी मसाला डोसा, वो भी इनकी स्पेशलिटी है. और मैंने यहाँ पे लिया है वड़ा. जस्ट लुक एट दिस. सो हियर वी हैव अ घी मसाला डोसा. दिस इज सर्व ऑन अ बनाना लीफ. हियर वी हैव सम कोकोनट चटनी, सम टमेटो चटनी, सम सांबार. यहाँ पर सिंगल वड़ा मैंने ले लिया है. डोसा उतना भी क्रिस्पी नहीं है. मैं थोड़ा यहाँ पे बीच में से स्टफिंग दिखा दूँ आपको. लुक एट दैट, वेरी सिंपल. काफ़ी कम मसाले दिख रहे हैं मुझे. जस्ट पटेटोस इन सम टर्मरिक, बिट ऑफ अनियन, टमेटोज, मस्टर्ड लीव्स. आई एम गोइंग टू टेक सम ऑफ दैट कोकोनट चटनी एंड टमेटो चटनी एंड लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. सबसे पहले मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट आई करी लीव्स की, मस्टर्ड सीड्स की. सो गुड. पटेटोज इतने अच्छे से मैश्ड हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं. नो एफर्ट इन ईटिंग देम. डोसा जो है इट्स नॉट क्रिस्पी बट टेक्सचर वाइज इट्स जस्ट परफेक्ट. अब मैं थोड़ा सांभर खा के देखती हूँ. सांभर स्लाइटली स्पाइसी बट एज ऑफ नाउ मुझे चटनी बहुत अच्छी लगी. एक और चीज़ की टेस्ट जो आपको भरपूर आएगी वो है घी. आई जस्ट लव द टेस्ट ऑफ घी. लुक एट हाउ नाइस एरी पंजी एंड लाइट दिस डोसा इज. अमेजिंग. चटनी इज टेम्पर्ड ओनली विथ सम मस्टर्ड लीव्स. टमेटो चटनी जो है इसमें बहुत सारा अनियन करी लीव्स है. वेरी गुड. पहले मुझे लग रहा था कि ये क्रिस्पी नहीं है, पता नहीं मुझे अच्छा लगेगा या नहीं. मुझे डोसा थोड़े क्रिस्पी अच्छे लगते हैं. बट द टेस्ट ऑफ घी, द परफेक्ट मसाला एंड द नाइस पंजी टेक्सचर, अमेजिंग. अभी मैं ये वड़ा खाने वाली हूँ. आई लाइक दिस प्लेट. चलिए लेट्स ओपन दिस. लेट्स हैव विथ सम चटनीज. वेरी क्रिस्पी. जीरा डाला हुआ है. थोड़ा सा सिर्फ ठंडा है वो एक चीज़ है. उसके अलावा इनकी चटनीज जो हैं वो तो USP हैं. वड़ा इज़ ऑल्सो सुपर नाइस बट डोसा मुझे बेटर लगा. वैसे यहाँ पे गोकुल ओट्टुपुरा में आपको बहुत सारे फ्यूजन साउथ इंडियन आइटम्स भी मिलेंगे, जैसे पिज्ज़ा डोसा, पेरी पेरी इडली. एंड आई थॉट ऑफ ईटिंग अ पेरी पेरी इडली क्योंकि हमने डोसा तो खा ही लिया था. दिस लुक्स वेरी गुड. इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है. ये देखिए. सो ये जो पेरी पेरी इडली है ये छोटी इडली के पीसेस, या आप समझिए कि बटन इडली जो होती है उसको फ्राई करके पेरी पेरी मसाले में डाला. सो दिस लुक्स वेरी गुड एंड दे सर्व इट विद अ स्वीट चिली सॉस. वाओ, वेरी क्रिस्पी. पूरा पेरी पेरी मसाला मेरे हाथ पे आ गया है. बट लेट्स टेस्ट दिस. वाओ, एकदम अलग कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट टाइम ऐसे खा रही हूँ. हम फ्राइड इडली घर पे हल्दी, मस्टर्ड सीड्स और करी लीव्स में तो बनाते हैं, बट ऐसे विद पेरी पेरी मसाला एंड दिस स्वीट चिली सॉस, विच आई डिडंट नो के कैसा टेस्ट करेगा, बट इट टेस्ट्स अमेजिंग.
सो प्राइमरली ये थोड़ा सा स्पाइसी है एंड बिकॉज ऑफ द सॉस ये थोड़ा सा स्वीट और चटपटा हो जाता है. द इडली इज़ वेरी क्रिस्पी, इट्स सुपर फ्रेश, अंदर से एकदम नरम स्पंजी और पेरी पेरी मसाला तो बहुत अच्छा है. अच्छा है, मतलब अगर आप कुछ फ्यूजन ट्राई करना है तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस. ये आप सॉस के साथ ही खाइए, वो थोड़ा स्वीटनेस आपको अच्छा लगेगा. इतना अच्छा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ गए सीधा फोर्ट कोची. वैसे फोर्ट कोची जो है काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है इन कोची. एंड यू गाइस मस्ट नो, अगर आप कभी भी केरला में प्लान करते हो मुन्नार या एलेपी जाने के लिए, आपको लैंड या आपकी ट्रिप की शुरुआत होगी कोची से ही. सो इफ़ यू आर इन कोची फॉर अ डे और टू, यू कैन एक्सप्लोर दीज प्लेसेस. मैं फोर्ट कोची फर्स्ट टाइम आई हूँ. सो फोर्ट कोची में ना दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक द आर्किटेक्चर, हियर बोस्ट्स ऑफ डच, पोर्चुगीज एंड ब्रिटिश कॉलोनियल कल्चर. और दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको मिलेंगे फिशिंग नेट्स. नाउ दीज फिशिंग नेट्स आर ओनली पर्टिकुलर टू कोची, ये आपको सिर्फ इधर ही मिलेंगे. दे हैव दिस यूनिक वे ऑफ कैचिंग फिशेस. सुबह 6 बजे और रात को 10 बजे यहाँ पे फिशेस कैच होती हैं. एंड दीज आर हाउ द फिशिंग नेट्स लुक लाइक, दे लुक ह्यूज टू बी ऑनेस्ट. सो चलिए अभी हम खाते हैं कुछ लंच एंड वील एक्सप्लोर मोर ऑफ फोर्ट कोची. हमने आज का दिन काफ़ी स्लो पेस्ड रखा है, सो Let's go and explore. We were just chilling in Fort Kochi. हम actually Saturday को आए हैं and वो time पे church बंद होता है. तो इसके पहले आपने church देखा, that's St. Francis Church. Very popular church here in Fort Kochi. This is where Vasco da Gama was buried. So yeah, I mean, I think अभी हम थोड़ा सा नारियल पानी पियेंगे, थोड़ा view enjoy करेंगे. And then we'll head back to main coach. Digi dan tan tan. Jag digi tan taka taka tan tan tan. So sweet, better than water. फोर्ट कोची आएंगे तो यहाँ पे आपको किसी न किसी जॉइंट में आके सी फूड और थोड़ा ट्रेडिशनल फूड खाना चाहिए. सो अब हम आ गए हैं ये जॉइंट पे, इट्स कॉल्ड ईट कोची. इसके लिए एक अच्छी बात क्या है कि एकदम ऐसा रोड साइड है. यूजुअली ऐसे यूरोप में होता है कि आप रोड साइड बैठ के खाते हो, यू कैन सी द हसल बसल ऑफ द सिटी व्हाइल यू एंजॉय योर फूड. यहाँ पे भी ऐसे 2-3 जॉइंट्स हैं रोड साइड और हम इनमें से एक जॉइंट पे आ गए हैं ईट कोची. अब एक चीज़ जो मैं नोट कर रही हूँ इज़ कम्पेयर टू द फूड वी हैड इन द सेंट्रल कोची और इन कोड़ीकोड, यहाँ पे फूड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट आई थिंक इट्स द लोकेशन उसके वजह से. सो यहाँ पे हम खाएंगे केरला पराठा, सम चिकन करी एंड समथिंग इन सी फूड. इवन तो थोड़ा ब्रीजी है बट गर्मी तो आज है और हम एकदम पीक आफ्टरनून में आए हैं. सो आई थॉट बिफोर आवर फूड कम्स Let's enjoy a tender coconut shake. They have also put a scoop of ice cream on top of that. So good. ऊपर से वैनिला आइसक्रीम डालिए. शेक एज सच इतना कुछ थिक नहीं है बट टेंडर कोकोनट का वो जो टेस्ट होता है विच आई लव वो इसमें है. और शुगर भी मैंने उनको बोला एकदम नेक्स्ट टू जीरो डालने के लिए. नाउ वी वेटिंग फॉर आवर फूड. खाना अब यहाँ पर आ चुका है. वी हैव सम प्रॉन्स मसाला फ्राई, सम चिकन करी एंड सम परोटा. लुक एट दिस. सो हियर वी हैव सम प्रॉन्स मसाला फ्राई. थोड़ा सा ये सेमी ड्राई है बिकॉज ऑफ ऑल दैट मसाला. आई कैन सी दिस पेस्ट ऑफ अनियन, टमेटोज, लॉट्स ऑफ गार्लिक, आई कैन सी स्प्रिंग अनियन एंड स्मॉल पीसेज ऑफ प्रॉन्स. हियर वी हैव सम चिकन करी विच लुक्स Amazing, quantity काफ़ी अच्छी है. We have some pieces of chicken here and lots of again masala, this onion, tomato, garlic, chilies with that gravy. Let's take some of that. Garlic की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है and the staple curry leaves and this is
my favorite things in Kerala, the parota, the flaky nice parota. सबसे पहले मैं prawns try करने वाली हूँ. I am eating prawns after ages. इसमें actually जो green onion होता है वो बहुत सारा डाला हुआ है तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा स्वाद आ रहा है. Nothing spicy. इसमें ना ग्रीन चिलीज थोड़े थोड़े डाले गए हैं, उसका स्वाद आ रहा है. ऐसा जिसका जो बेस है दैट्स लॉट्स ऑफ ग्रीन अनियन. गार्लिक का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है इसमें. प्रॉन्स वेरी नाइसली कुक, वेरी वेरी फ्रेश, नथिंग इज स्पाइसी. आई थिंक ये पहली चीज़ होगी जिसमें करी लीव्स नहीं है, बट टू गुड. अब एक चीज़ क्या है, जो पूरी ग्रेवी है वो पूरी वाटरी है और मसाला थिक है, तो पानी पूरा छूट गया चिकन से. सो वी विल टेक सम ऑफ दैट चिकन, सुपर हॉट, सम मसाला एंड ग्रेवी एंड लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. One thing I'll tell you, the use of garlic in this, amazing. इसमें भी थोड़ा थोड़ा स्प्रिंग अनियन डाला गया है, पर इसमें जो सबसे ज़्यादा टेस्ट करी लीव्स की आ रही है. चिकन जो है वो एक्चुअली फ्राइड है, इट्स नॉट बॉइल्ड और समथिंग, बट इट्स टेंडर, नाइस, वेल कुक्ड. करी लीव्स का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है. थोड़ा थोड़ा ना ये खा के मुझे चिकन 65 याद आ गया, आई डोंट नो वाई, बट द मसाला इज़ वेरी सिमिलर टू द मसाला वी हैड इन प्रॉन्स. कुछ भी स्पाइसी नहीं है. एक चीज़ मुझे क्या लग रही है, जो परोटा है ना वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा चूई लग रहा है, तो वो मैं इतना एंजॉय नहीं कर रही हूँ. पर उसके अलावा मुझे प्रॉन्स और चिकन बहुत अच्छे लगे. करी लीव्स का जो स्वाद आ रहा है चिकन में, दैट्स अ हिट. लव्ड इट. यू कैन ट्राई दीज थिंग्स. पता नहीं कितना ऑथेंटिक है या नहीं, मतलब मुझे वो इतना ऑथेंटिक टाइप नहीं लग रहा है, बट टेस्ट में ऐसा काफ़ी अच्छा है. सो दिस वॉज आवर लंच. अभी हम थोड़ा और फोर्ट कोची घूमेंगे एंड देन वील गो बैक टू मेन कोची. पहली जगह आए हैं वो है द पुट्टू. ये एडापल्ली में आता है और ये जगह काफ़ी पॉपुलर है फॉर इट्स पुट्टू वेराइटीज़. मैं एक्चुअली उनका मेन्यू देख रही थी, आप भी देखो, दे हैव सो मेनी ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम व्हेन इट कम्स टू पुट्टू. मैंने इतनी वेराइटीज़ कभी भी नहीं देखी होंगी. मीट बोलो, वेजिटेरियन डिश बोलो, स्वीट बोलो, दे हैव पुट्टू वेराइटी इन एवरीथिंग. दे ऑल्सो हैव लाइक दिस कॉन्टिनेंटल स्टाइल विच इज़ स्पेनिश पुट्टू एंड एवरीथिंग. सो हमने सोचा आज के दिन की शुरुआत हम यहाँ पर करेंगे. वैसे एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं, एक्टर दिलीप, उन्होंने ये रेस्टोरेंट शुरू किया था एंड इट्स सुपर पॉपुलर हियर इन कोची. सो हम खाने वाले हैं पुट्टू विद चिकन कीमा एंड इडियप्पम विद एग करी हियर. और जैसे ही हम यहाँ पे सेटल हो गए, हमें एक्चुअली यहाँ पे दो चीज़ें मिली. ये तो हम जहाँ पे भी केरला में खा रहे हैं, वी आर गेटिंग इट. इट्स अ हर्बल वाटर और लाइक इट हैज़ आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़. बट यहाँ पे हमें एक ब्लैक टी भी मिली है. मैंने थोड़ी टेस्ट की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. इसमें जिंजर और हनी भर भर के डाला हुआ है. अमेजिंग. लेट्स गो टू द किचन एंड लेट्स सी हाउ आवर फूड गेट्स मेड. एक्चुअली हमें शेफ बता रहे थे कि उन्होंने आज तक 3000 प्लस वेराइटी के पुट्टू बनाए हैं. दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग. और जब तक हम किचन में थे, हम भी देख रहे थे कितने अलग अलग तरीके के पुट्टू बन रहे थे. अब पुट्टू जो है वो ट्रेडिशनली एक सिलेंड्रिकल शेप में आते हैं. सिलेंड्रिकल शेप में राइस और कोकोनट के बनते हैं वो, राइस फ्लावर के. बट यहाँ पे दे सर्व इट इन दैट शेप ऑल्सो, बट दे ऑल्सो सर्व इट इन दिस अनदर शेप विच लुक्स मोर लाइक अ हाफ कोकोनट शेप. सो ये है हमारा चिकन कीमा पुट्टू. बेसिकली इट्स अ होल मील इन इटसेल्फ वेयर यू गेट सैलेड, चिकन कीमा. पुट्टू के अंदर भी चिकन की स्टफिंग है. सो बेसिकली वॉट इज पुट्टू, इट्स अ स्टीम डिश मेड ऑफ राइस फ्लावर, कोकोनट. सो देयर इज अ लेयर ऑफ पुट्टू, कोकोनट, चिकन कीमा, अगेन राइस फ्लावर,
चिकन कीमा, कोकोनट, ऐसे पूरे लेयर को एक सिलेंडर या एक ट्रेडिशनल वे जो उन्होंने दिखाया, वो जो छोटा सा प्रेशर कुकर में बोलूँगी उसको, उसमें डाल के उन्होंने उसको स्टीम किया। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं वो है इडियप्पम। इडियप्पम भी बनता है राइस फ्लावर के साथ, एंड दिस वी आर गोइंग टू हैव विद सम एग करी। वी ऑल्सो हैव पैशन फ्रूट पंच हियर एज अ ड्रिंक। तो सबसे पहले हम इसको पूरा ओपन कर देते हैं। लुक एट दैट, एंड वी विल ऐड सम ऑफ दैट चिकन कीमा। लेट्स नाउ टेक ऑल दोज लेयर्स एंड हैव इट टुगेदर। सो मच इज गोइंग ऑन हियर। ओह माय गॉड, ऑब्वियसली जो स्टीम राइस फ्लावर है उसका सबसे ज़्यादा टेस्ट आ रहा है जो पट्टू है, बट इसमें ग्रेटेड कोकोनट का भी उतना ही स्वाद आ रहा है। फिर बीच बीच में चिकन कीमा, इसमें स्पाइसेस भी डाले हुए हैं, करी लीव्स का मुझे स्वाद आ रहा है, लॉट्स ऑफ गार्लिक दैट आई कैन टेस्ट, इट हैज़ हीट। इसके ना टेक्सचर्स काफ़ी कमाल के हैं। ये जो पट्टू का ये पार्ट है, राइस फ्लावर पार्ट, दैट इज़ वेरी स्पंजी। फिर कीमा, ग्रेटेड कोकोनट, देयर इज आल्सो सम अनियन इन देयर, करी लीव्स, और ये जो चिकन कीमा है जिसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर का बहुत ज़्यादा स्वाद आ रहा है, देन नाइस मिंस्ड चिकन, ब्लैक पेपर, दिस इज़ टू गुड। मसाले भी इसमें डाले गए हैं, लाइक मुझे कोरिएंडर सीड्स जो होते हैं उसका स्वाद आ रहा है। अमेजिंग, नथिंग इज स्पाइसी। कोकोनट का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा ये पैशन फ्रूट पंच पी के देखते हैं। वेरी रिफ्रेशिंग। इसमें एक छोटा सा चिली भी डाला हुआ है। टू गुड। अभी हम खाएंगे इडियप्पम एंड एग करी। सो दिस इज इडियप्पम, इसको नोलो पुट्टू भी कहते हैं। ये भी बनता है राइस फ्लावर, सॉल्ट एंड वाटर के साथ। दिस वी आर गोइंग टू हैव विद सम एग करी, सो आई विल टेक सम ऑफ दैट। इसकी आप शेप देखेंगे, इसको ना स्ट्रिंग हॉपर्स भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें देखिए कितनी स्ट्रिंग्स हैं। मेनली बिकॉज ऑफ इट्स शेप इसको स्ट्रिंग हॉपर्स भी बोलते हैं। मतलब अगर मैं आपको बहुत ईजी वे में बता सकूँ तो आपने सेवैयाँ देखी हैं, काफ़ी उसके जैसा टेक्स्चर है ये। एग करी में मुझे दिख रहे हैं फ्राइड अनियंस, करी लीव्स, वेरी रिच ग्रेवी मेड इन कोकोनट मिल्क। लुक एट दैट एग, आई विल टेक सम ऑफ दैट एंड दिस ग्रेवी। यहाँ पे थोड़ा पापड़ भी ले लूँगी मैं, यहाँ के पापड़ की भी बात ही अपनी है। सो लेट्स टेस्ट, लेट्स सी हाउ डिफरेंट इट टेस्ट फ्रॉम द पुट्टू वी हैड, क्योंकि इसमें मुझे कोकोनट भी दिख रहा है, सो आई एम अज्यूमिंग टेस्ट काफ़ी सिमिलर होगी। ओह माय गॉड, सो कम्फर्टिंग, सो हेवनली। इसमें मुझे कोकोनट का उतना टेस्ट नहीं आ रहा है, दिस यू विल एक्चुअली फील लाइक राइस फ्लावर जो है उसको स्टीम करके ये शेप में बनाया गया है। अमेजिंग, एंड दिस एग करी मेड इन कोकोनट मिल्क। ये एग करी अनियन टमेटो में बनाई गई है, नॉट स्पाइसी एट ऑल, पर इसमें फ्राइड अनियंस का जो टेस्ट आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है, एंड एवरीथिंग यू ईट आपको ना वो एक कोकोनट मिल्क टाइप वो टेस्ट आएगा ही, बहुत अच्छा है। इसकी सबसे बेस्ट बात मुझे इसका टेक्स्चर ही लग रहा है, खाने में मैंने ऐसे कभी खाया नहीं है ना, तो थोड़ा सा अलग लग रहा है, काफ़ी स्वादिष्ट भी है। अमेजिंग, मुझे दोनों ही चीज़ें इक्वली अच्छी लगी। नथिंग इज स्पाइसी, वेरी कम्फर्टिंग। मसाले भी कम डाले गए हैं, मसाले में मुझे सबसे ज़्यादा टेस्ट आई थिंक ब्लैक पेपर का ही आ रहा है। टू गुड। यू कैन कम हियर फॉर ब्रेकफास्ट और मील्स, उनके पास काफ़ी बड़ा मेन्यू है। आप वेजिटेरियन हो तो भी आ सकते हो, बहुत ऑप्शन है वेजिटेरियन में भी। बिरयानी यहाँ पे इतनी पॉपुलर होती थी, और वो पूरे बिरयानी क्रेज के बीच में मंडी मेड इट्स स्पेस इन द पीपल ऑफ हार्ट ऑफ केरला। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैंने सुना है कि मेनी पीपल एक्चुअली स्किप बिरयानी और यहाँ पे मंडी खाते हैं। मंडी का क्रेज केरला में, स्पेसिफिकली कोची में, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एंड यू विल फाइंड सो मेनी जॉइंट्स सर्विंग यमनी डिशेज। सो हम अब आ गए हैं अरेबियन पैलेस में। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस इन कोची टू हैव सम मंडी। दिस इज़ हाउ देयर मेन्यू लुक्स लाइक। यू कैन चूज आपको कौन सा मीट चाहिए, आप चूज भी कर सकते हो कि आपको फुल चाहिए, हाफ चाहिए, क्वार्टर चाहिए। आई हैव ऑर्डर्ड सम स्पाइसी चिकन मंडी क्वार्टर। जैसे ही आप यहाँ पे सेटल हो जाएंगे आपको मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री सूप। हमारे पास यहाँ पर आ गया है चिकन सूप, और गाइस आई अपोलोजाइज फॉर द लो लाइटिंग, यहाँ पे लाइट ही ऐसी है, आई एम ट्राइंग टू कैप्चर द बेस्ट। सो दिस इज़ द चिकन सूप।
इसमें एक्चुअली बहुत सारे स्प्रिंग अनियंस डाले हुए हैं, बट फॉर सम रीज़न मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी लग रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा सॉल्टी लग रहा है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट डाला हुआ है. हम चलते हैं अभी किचन में और देखते हैं हमारी मंडी. यहाँ पर अभी हमारे पास आ गई है मंडी. ये क्वार्टर प्लेट जो है इट्स इनफ फॉर वन पर्सन टू ईट एंड फील फुल फॉर आवर्स, क्योंकि इतनी सारी क्वांटिटी है. जस्ट लुक एट दिस. सो बेसिकली ये जो मंडी है दिस इज़ नथिंग बट अ राइस एंड मीट प्रिपरेशन. इसमें यूजुअली यमनी राइस होता है, ये हम खा के देखते हैं. जो हम यूजुअली यहाँ पे बिरयानी खा रहे हैं उसके कंपेरिजन में ये राइस काफ़ी अलग है, ग्रेन्स काफ़ी लंबे हैं. लुक एट दैट, लेट्स टेक सम ऑफ दैट राइस. अभी यहाँ पे मुझे स्टाफ ने क्या बताया कि आपको राइस पहले प्लेट में डालना है, फिर राइस पे आपको मेयोनीज, केचप और ग्रीन चिली डालनी है जो हर टेबल पे अवेलेबल है. वो फिर आपको अच्छे से मिक्स करके फिर आपको मीट निकाल के उसके साथ खाना है. चलिए फिर वैसे ही खाते हैं हम. सबसे पहले हम डालते हैं मेयोनीज, सम ग्रीन चटनी, वो काफ़ी वाटरी है ये, सम केचप. लेट्स नाउ मिक्स ऑल ऑफ दिस. काफ़ी मुझे इसमें स्पाइसेस तो दिख रहे हैं. आई कैन सी ब्लैक पेपरकॉर्न्स, कोरिएंडर सीड्स. दिस इज द चिकन. वाओ, वेरी 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 हॉट. नो एफर्ट इन ब्रेकिंग. लुक एट दिस, इट्स कमिंग ऑफ सो इजीली. काफ़ी इजीली ये निकल आ रहा है. लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. दो चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दूं जो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी. सबसे पहले जो मीट है, द चिकन, सो नाइसली मैरिनेटेड, सो नाइसली कुक्ड, वेरी टेंडर, वेरी टेंडर. और जो राइस है उसके फ्लेवर्स काफ़ी सटल हैं. राइस में इलायची, स्टार अनीस, सिनेमन, ब्लैक पेपरकॉर्न्स, कोरिएंडर सीड्स, सबका फ्लेवर आ रहा है, बट काफ़ी माइल्डली फ्लेवर्ड है ये राइस. और राइस काफ़ी खिले खिले हैं, कोरिएंडर भी डाला हुआ है. पर एक बार आप ये चिकन देखिए, द चिकन लिटरली इज सो जूसी. चिकन की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है. फॉर 200 रुपीज़ और 210 रुपीज़, दिस इज़ गुड क्वान्टिटी ऑफ चिकन एंड राइस. बहुत गर्म है ये देखिए. इसमें लौंग जो क्लोव्स होते हैं वो भी राइस में बहुत डाले गए हैं, तो राइस में ना पूरे खड़े मसाले ही डाले गए हैं. मेयोनीज, केचप और ग्रीन चिली थोड़ा सा टेस्ट एनहेंस कर रहे हैं, वो भी इतने से स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स नहीं है उसके. ओवरऑल वेरी नाइस. तो अगर आपको बिरयानी ये सबसे ब्रेक चाहिए, कम एंड ट्राई द मंडी हियर. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. नॉट स्पाइसी, ऑयल का भी प्रोपोर्शन बहुत कम है. और पता है वो जो चिकन इन्होंने ग्रिल किया है उसका जो एक स्मोकी फ्लेवर आता है वो भी इसमें भरपूर है. इनका जो राइस और चिकन था वो पहले से ही प्री कुक था. राइस एक काफ़ी बड़े टब में इन्होंने पहले ही बना के रखा था, और जो चिकन था वो भी पहले से ही गर्म करके एक फॉइल में इन्होंने रैप करके रखा था. ये आप मेयोनीज इनके बिना भी खा सकते हो. आई थिंक इट विल टेस्ट इक्वली गुड. तो आपने देख ली. उसी के साथ एक और चीज़ है जिसका बहुत क्रेज़ है यहाँ कोची में. वी हैव नाउ कम टू अल ताज़ा. ये जगह लुलू मॉल के ऑपोजिट है, एंड अपेरेंटली दिस सर्व वन ऑफ द बेस्ट शॉर्मास इन कोची. दिस इज हाउ देयर मेन्यू लुक्स लाइक. आप एक्चुअली देखेंगे इनके पास शॉर्मा कैसे बहुत सारी दूसरी वेराइटी है, लाइक बर्गर्स, पिज्ज़ा, ओपन शॉर्मा, क्लब सैंडविच. जो हमने लिया है वो है नॉर्मल चिकन शॉर्मा जो रुमाली रोटी में बनता है. यू गाइस सॉ द मेकिंग ऑफ इट. एंड ये एक पेट्रोल पंप के इधर है. मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ एज आई ओपन दिस. जब मैं दुबई गई थी तो दुबई में भी हर पेट्रोल पंप पे ऐसे कोई ना कोई जॉइंट था ही. तो जैसे ही हम यहाँ पे आए इट वॉज लाइक एकदम ऐसा दुबई टाइप फील क्यों आ रहा है. चलो लेट्स ईट दिस.
That's a lot of mayonnaise. Mayonnaise itna hai ki wo jo roti hai wo thoda thoda geela ho gaya because of mayonnaise. The rumali roti is perfect, very nice. And the dhes tarah chicken, there's very crunchy lettuce inside, lots of mayonnaise. Mujhe na isme thoda thoda aisa garlic taste bhi aa raha hai. So garlic ka definitely isme punch hai. There's some beetroot and fries as well. ये शॉर्मा में 99 अच्छी चीज़ें हैं, सिर्फ एक डिसएडवांटेज है. पहले अच्छी चीज़ बताती हूँ. चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेटेड है, वेरी टेंडर, वेरी नाइस. इट हैज़ फ्राइज एंड लेटस फॉर द क्रंच, देन मेयोनीज. द रुमाली रोटी इज़ वेरी नाइस. द ओनली वन थिंग जो मुझे ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा डाली हुई है, तो कभी कभी कोई कोई बाइट पे ना मेयोनीज ऐसे थोड़ी सी ओवरपावरिंग हो जा रही है. सो बस वो एक चीज़ डिसअपॉइंटिंग है, बट उसके अलावा दिस इज़ डिलिशियस. हम एक्चुअली काफ़ी गर्मी के टाइम आए हैं, सो वी वर थिंकिंग ऑफ ड्रिंकिंग समथिंग एंड वी सॉ दैट दे हैव द इन हाउस ड्रिंक्स सिप फील द चिल, जिसमें इनके पास कस्टर्ड एंड मैंगो फ्लेवर है. सो दिस इज़ द कस्टर्ड फ्लेवर, इसमें कैशनट्स, एप्पल, कस्टर्ड, मिल्क और शुगर है. और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये मैं पीने वाली हूँ. दिस इज़ द मैंगो फ्लेवर, इसमें मैंगो, पोमोग्रेनेट एंड एप्पल है. लेट्स ड्रिंक. यहाँ पे मैं देख रही हूँ सब लोग ये थोड़ा थोड़ा पी रहे हैं. ये एक्चुअली मुझे ग्लास में पीना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऐसे काफ़ी बिग चंक्स हैं एप्पल और पोमोग्रेनेट के. बट दिस इज़ सो गुड. इट्स लाइक एक थिक मैंगो पल्प में पोमोग्रेनेट और एप्पल डाला हुआ है और शुगर काफ़ी कम है इसमें. मिल्क भी है ऑफकोर्स. मोर देन अ मिल्क शेक, इट्स लाइक पल्पी मैंगो ड्रिंक. Mango pulpy drink. You get what I'm saying, right? But it's very good, very refreshing. One thing that I'm getting very excited about as I'm exploring the food in Kochi or in Kerala specifically are Malabar snacks. Actually, yahan pe itne sare aise restaurants hain. We found them in Kozhikode and also in Kochi, jo sirf snacks serve karte hain. Aur abhi kyunki Ramadan ka time chalu hai, to bahut log iftari ke time pe yahan par aate hain. So next place that we have come to is Ojin restaurant. ये प्लेस काफ़ी पॉपुलर है अपने स्नैक्स के लिए एंड इट्स सो पॉपुलर दैट दे हैव एक्चुअली रन आउट ऑफ हाफ ऑफ देयर स्नैक्स. फिर भी हमने यहाँ पे तीन स्नैक्स लिए हैं. इनके जो ओरिजिनल नेम्स हैं मैं ट्राई करूँगी बोलूँ, बट एक्सक्यूज़ माई प्रोनंसिएशन, जस्ट लुक एट दिस. सो दिस इज़ बन नारी चाटू, विच इज़ बेसिकली स्टफ्ड मालाबार बन. हियर वी हैव पयम पोरी, विच इज़ बनाना फ्रिटर. और यहाँ पर है इलांजी. इलांजी इज़ लाइक अ स्वीट स्टफ्ड क्रेप सॉर्ट ऑफ अ डिश. ठीक है, सो ये स्नैक्स आज हम खाने वाले हैं. सबसे पहले हम इसी के साथ शुरू करते हैं. अभी ये एक्चुअली क्या है ना, एक बन के अंदर स्टफिंग है. क्लियरली उन्होंने बताया नहीं किस चीज़ की स्टफिंग, तो एक बार देख लेते हैं. ओके, सो हियर आई कैन सी सम एग, अनियन, सम स्पाइसेस, थोड़ा सा मिंस्ड चिकन. लेट्स टेस्ट. सो बन में हल्का सा स्वीटनेस है एंड अंदर देयर्स मिंस चिकन, अनियन. अनियंस को बहुत अच्छे से कैरमलाइज किया, उसका स्वाद आ रहा है. एंड आधा बॉयल अंडा. इसमें कुछ भी इतना स्पाइसी नहीं है, इनफैक्ट हल्का सा स्वीट, अनियनी और एकदम थोड़े ही स्पाइसेस डाले हुए हैं, ज़्यादा नहीं. ये जो बन है इस पर भी मुझे लग रहा है एग वॉश का कोटिंग किया हुआ है बिफोर कुकिंग इट, क्योंकि वो हम फ्रेंच टोस्ट नहीं खाते, थोड़ा थोड़ा उसके जैसा टेस्ट आ रहा है उसका. देन देयर इज चिकन ऑल्सो. यहाँ पे कुछ भी इतना गर्म नहीं है, बट ये स्नैक्स इतने फास्ट सेलिंग है कि नो वन रियली केयर्स अबाउट दैट. Next we'll be having this. This is one of my favorite things here. This is a banana fritter. ये मैंने shoot के अलावा भी खाया है and I love it. Nothing. It's just a fried banana. Look at that layer of banana inside. इसमें मैदे का भी use हुआ है फ्राई करने के टाइम पे, बट बनानास की जो इसमें स्वीटनेस है, दैट इज़ द यू एस पी ऑफ द पयम पोरी यू गेट हियर.
ये एक चाय के साथ मज़ा ही आ जाए. फाइनली इलांजी, इसके अंदर कोकोनट की स्टफिंग है, बाहर मैदा है. लेट्स एक्चुअली टेस्ट एंड सी व्हाट एग्जैक्टली इज दिस. वाह, मैं आपको एक बात बता दूँ, जिस भी चीज़ में ये लोग ग्रेटेड कोकोनट और बनाना डाल दें समझो दैट्स अ हिट. ये एक्चुअली बाहर मैदे की कवरिंग है, क्रेप लाइक पूरा टेक्सचर है उसका, और अंदर देयर्स लॉट्स ऑफ ग्रेटेड कोकोनट, सम घी एंड बनाना. लुक एट हाउ थिन द लेयर इज, और एक बार अंदर की स्टफिंग भी देख लो, टू गुड. जब भी आप कोची आएँ मेक श्योर कि आप यहाँ पे स्नैक्स खाएँ. यहाँ पे ज़्यादा पार्किंग का कुछ सीन नहीं है, शाम के टाइम भी आइए, स्नैक्स खाइए, चाय पीजिए. जब भी कोची आएंगे तब आप देखेंगे कि स्टेशन के बाजू में, जो अर्नाकुलम स्टेशन के बाजू में, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्टॉल्स और जॉइंट्स और शॉप्स नेम्ड मालाबार चिप्स. एक्चुअली होल ऑफ केरला इज़ वेरी फेमस फॉर बनाना चिप्स, तो यहाँ पे जो भी लोग आते हैं दे एक्चुअली पैक सम बनाना चिप्स बैक होम. सो आई ऑल्सो थॉट ऑफ पैकिंग सम होम, बट फ्रॉम द मोस्ट फेमस जॉइंट, दिस इज़ मालाबार चिप्स राइट बिहाइंड मी. मालाबार चिप्स के आपको बहुत सारे स्टोर्स मिलेंगे, बट दिस इज़ द ओरिजिनल वन हियर सिंस 1983, और यहाँ पे आपको ओरिजिनल टेस्ट मिलती है. अब बनाना चिप्स तो आपको मालूम ही है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू पैक समथिंग डिफरेंट लाइक आई डिड, यू कैन ऑल्सो गेट सम टैपियोका चिप्स एंड सम जैकफ्रूट चिप्स. इनके पास चिप्स में बहुत सारी वेराइटी है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 75 रुपीज़ आप 250 ग्राम्स पैक कर सकते हो. यू मस्ट चेक इट आउट. एंड गाइज, दिस इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग इट. इफ यू डिड, प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज. Closing time, it closes at 8 by the way. Today's comment shout out goes to all these lovely people. Thank you so much for leaving a comment. Chalo, meri bhi chutti ho gayi. I'm gonna see you next time. Till then, khao piyo khush raho. Bye, Kochi. Aaj ki jo pehli jagah mein hai, wo hai the Puttu. Ye Ariyap, ek second, kidhar aata hai, ek second. This place called Al Taza. Ye Lulu Ma. Ek cheez jo mujhe bahut makes me very excited. साइड है यूजली ऐसे यूरोप, इवन दो यहाँ पे थोड़ा ब्रीज, माकोरो लगी होती कैमरा थे माकोरो. प्लीज़ आपको 250 ग्राम्स में चिप्स के पैकेट्स